ग्रेविटेशनल फील्ड ई और वी, ई और वी हम निकालने जा रहे हैं किसकी वजह से, शेल की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से। जैसे पहले शेल से स्टार्ट करते हैं, एक शेल है जो अंदर से खाली है, मास एम है, रेडियस कैपिटल आर है। तो पॉइंट नंबर वन, पहला फॉर्मूला, अगर आप इस शेल से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हो, आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला नंबर वन। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, एक स्फीयर के सेंटर से दूरी ली जाती है तो स्फीयर के शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी सरफेस पे आ जाऊं, सरफेस का मतलब छोटा आर किसके इक्वल हो जाए, बड़ा आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाए, तो ई का फॉर्मूला कैपिटल जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी दूसरा फॉर्मूला क्लियर है, पहला फॉर्मूला स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला सरफेस के ऊपर, शेल की सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ये रहा फॉर्मूला दो। तीसरा, शेल के अंदर कोई भी पॉइंट अगर शेल के इनसाइड है, शेल के अंदर है, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी उसमें, जीरो। तो शेल के अंदर ई क्या रहेगा, जीरो। तो ई याद हो गया, तो शेल के बाहर ई का ये फॉर्मूला, शेल की सरफेस के ऊपर ई का ये फॉर्मूला, शेल के अंदर ई का फॉर्मूला जीरो। तीन फॉर्मूलास क्लियर। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ई वर्सेस स्मॉल आर का, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ शेल है, सेंटर ऑफ शेल से अगर आप दूर जा रहे हो राइट, तो ऑब्वियसली रास्ते में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर भी आएगा। ये रहा वो पॉइंट, ये सेंटर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो सेंटर से स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ई की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो, क्योंकि शेल के अंदर ई तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो ग्राफ स्टार्ट ही नहीं होगा। यहां से यहां तक ई की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो। पॉइंट नंबर वन क्लियर। उसके बाद बाहर जैसे निकलते हो तो ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ये देख रहे हो, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पेपर में ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, एक शेल, शेल का मतलब एक स्फीयर अंदर से खाली, ई जो है आर के साथ ऐसे रिलेटेड है। पहला ग्राफ याद हो गया, फॉर्मूले याद हो गए, ग्राफ मार्क हो जाएगा। अब इसी शेल में वी के फॉर्मूले, वी का फॉर्मूला, ये शेल स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी क्या लगाएगा, न्यूटन का फॉर्मूला वैलिड है, सीधा फॉर्मूला लगेगा, माइनस जी एम बाई कैप स्मॉल आर, क्योंकि सेंटर से दूरी देखनी है, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो वी का फॉर्मूला शेल की वजह से क्या होगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, ये एक शेल है, इस शेल के सरफेस के ऊपर अगर आपको वी निकालना है तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ये पॉइंट भी क्लियर है, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, यहां पर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। नेक्स्ट है, ये अगर एक शेल है, अब शेल के अंदर मुझे वी निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत है, नॉर्मल फॉर्मूला चल रहे हैं। शेल के अंदर अगर आपको वी निकालना है तो ई हमने लास्ट टाइम किया था, क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिजल्ट किया था। इस शेल के अंदर ई की वैल्यू क्या रहती है, जीरो, अभी ऊपर किया, शेल के अंदर तो ई जीरो है, तो शेल के अंदर वी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। अब कॉन्स्टेंट किसके इक्वल, इसका मतलब जो शेल है उसका पॉइंट चाहे ये ले लें, उसका पॉइंट चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, वी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। कितनी, जितनी वैल्यू सरफेस के ऊपर है। सरफेस पे वैल्यू कितनी है, सरफेस पे वैल्यू है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो जितनी वैल्यू सरफेस पे है उतनी ही वैल्यू इनसाइड भी है। तो शेल के अंदर कोई मर्जी पॉइंट ले लो, सेंटर हो या सेंटर ना हो कोई चक्कर नहीं है, सेंटर हो या ना हो जहां मर्जी ले लो, जितनी वी की वैल्यू सरफेस पे है उतनी अंदर भी रहेगी। अंदर जो मर्जी पॉइंट ले लो, सरफेस और अंदर का पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, कोई डाउट इसमें। तो वी का फॉर्मूला बाहर क्लियर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर क्लियर है, कैपिटल आर हो गया फॉर्मूला, अंदर क्या होगा, जितना सरफेस का फॉर्मूला उतना ही अंदर फॉर्मूला। तो अगर कोई पॉइंट मैं बोलता हूं यहां पे वी निकालो, तो जितना पोटेंशियल सरफेस का उतना ही अंदर होगा, सरफेस पे कितना है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, इन साइड भी वही रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है यहां तक। तो ग्राफ आएगा प्लॉट करने को, तो देखो यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक वी कॉन्स्टेंट है, चेक करो वी कॉन्स्टेंट है, कितना, जितना सरफेस पे, सरफेस पे कितना है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर।
जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और ग्राफ नीचे बनेगा क्योंकि v नेगेटिव होता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां ऊपर नहीं बनेगा ग्राफ, इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ मार्क हो जाएगा, e का ग्राफ मार्क हो जाएगा, v का ग्राफ मार्क हो जाएगा। e और v के फॉर्मूला सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें?